उसका चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रकाश के पांच भेद। पहला भेद, यरदन नदी में प्रभु यीशु का बपतिस्मा। हम इन भेदों में समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, प्रत्येक व्यक्ति के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें, हम सब के पापों के प्रायश्चित के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, और इन सारे निवेदनों को हम मां मरियम की मध्यस्थता से समर्पित करते हैं। हे मां मरियम, आप हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इस संसार के लिए, संसार के जो भी पाप है, अधर्म है, बुराई है, अपराध है, अन्याय से भरी हुई हर एक चीज के लिए हम आपकी मध्यस्थता से ईश्वर से क्षमा याचना करते। हे करुणा में ईश्वर, हे दया में ईश्वर, हम पापी हैं, हमने बार बार पाप किया है, हम अपने शब्दों द्वारा, अपने कानों द्वारा, अपने शरीर द्वारा, अपने क्रोध द्वारा, अपने अहंकार द्वारा, अपनी ईर्ष्या द्वारा, अपनी जेलसी द्वारा, अपनी नफरत द्वारा, अपने लालच द्वारा, अपने कपट द्वारा, हर एक चीज की वजह से हमने बार बार पाप किया है, हमने आपका अनादर किया है, हमने आपको अधिकार नहीं दिया अपने जीवन में, आपको पहला स्थान नहीं दिया, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आपके प्रेम को ठुकरा दिया, आपके शब्दों को ठुकरा दिया, आपके पवित्र वचन को ठुकरा दिया, आपके वचनों पर विश्वास नहीं किया, हमने आपकी कृपा को ठुकरा दिया, हमने आपको नहीं अधर्म के रास्ते को चुना, हमने आपको नहीं शैतान के चालों, शैतान के लालच को चुना, हमने आपका तिरस्कार करके शैतान को पहला स्थान दिया, हमने हर एक क्षण आपकी निंदा की, आपका तिरस्कार किया, आपको लज्जित किया, आपका अपमान किया। हे दयासागर यीशु, हे दयासागर प्रभु, हम पापी हैं, हम पर दया कर, हमने आपसी लड़ाई को इतना फैला दिया है कि हमने उसको एक नया रूप दे दिया, राज्य राज्य के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध, इंसान इंसान के विरुद्ध, एक दूसरे को मारने के लिए हम तैयार हो गए,
हमारे अंदर से नम्रता खत्म हो चुकी है यीशु, हमारे अंदर अहंकार भर गया है। आपने कहा नम्र बनो, लेकिन हमने नम्र ना होते हुए हमारे अंदर एक घमंड आ गया। हमने आपको सर्वोच्च स्थान नहीं दिया, हमने आपको बढ़कर अपने आप को पूजा, अपने आप से प्रेम किया, अपने आप को महान समझा। हमने कलीसिया के विरुद्ध पाप किया, अपने माता पिता के विरुद्ध पाप किया, पड़ोसियों के विरुद्ध पाप किया, भाई बहनों के विरुद्ध पाप किया। आज अनेक व्यक्ति इस पाप में पड़े हुए हैं, अनेक दंपतियां, अनेक युवा आज अबॉर्शन करा रहे हैं। शैतान ने हमें वासनाओं से भर दिया है, हमने अपने शरीर को अपवित्र किया है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, हमने उस मंदिर को अपवित्र किया है। हम छोटी सी बात में किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का खून कर देते हैं, हमारे अंदर से शांति चली गई है, विनम्रता चली गई है, हमारे अंदर से संयमता चली गई है। अगर हमें कोई समझाना चाहता है तो हम उसका अपमान करते हैं, अपने आप को महान समझते हैं कि हमें सब कुछ की नॉलेज है, सब कुछ का ज्ञान है। हमने हर एक क्षण आपका तिरस्कार किया है यीशु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आपके हर एक गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। ये समय ईश्वर ने हमें प्रदान किया है कि हम अपने गुनाहों को स्वीकार करें, अपने पापों को पूर्ण रूप से ईश्वर को सौंपें। ईश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास नहीं रहने दो। हम स्वीकार करते हैं, आपने और मैंने समस्त संसार में पाप किया है, हर एक पल हर एक क्षण पाप किया है। हमारी सुबह से लेकर रात तक हर एक क्षण हम पाप करते हैं, झूठ से, बुराई से, व्यभिचार से, चोरी से, हत्या से, निंदा करते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, बेइज्जती करते हैं, दूसरों को गंदी नजर से देखते हैं, दूसरों के लिए गलत सोच रखते हैं। हम आज स्वीकार करते हैं प्रभु, हम पापी हैं, हमने गुनाह किया है, हम पर दया करें यीशु। आपका पवित्र वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23, तू सबों पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्य 19, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। मिकाया का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18-19, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रोक देगा और हमारे पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 130 वाक्य 3-4, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हम इन तमाम वचनों के लिए, सभी वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने आज हमें अपने पवित्र वचन के द्वारा समझाया कि ईश्वर हमारे पाप को याद नहीं रखता है, वह हम पर दया करता है। और आज ईश्वर हम प्रत्येक व्यक्ति से कह रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे और ईश्वर के राज्य में आगे बढ़े, ईश्वर के राज्य की ओर बढ़े, ना कि इंसान के राज्य की ओर, ना कि शैतान के राज्य की ओर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस वक्त इन सारे वचन की अनंत योग्यता के साथ आप सभी के लिए, समस्त संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हे दया में, हे करुणा में ईश्वर, हम पर दया कर। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आप सर्वशक्तिमान दया में परमेश्वर है। आपका पवित्र वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। हाँ प्रभु, हम आज पूर्ण हृदय से आपके पास लौट आते हैं। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धो दीजिए, हमारे पापों को शुद्ध कर दीजिए, आपके पावन लहू से हमारे शरीर के हर एक अंग को शुद्ध कर दीजिए जिसके द्वारा हम पाप करते हैं।
आज हम पर अधिकार लीजिए प्रभु और हमारे पापों को क्षमा कीजिए। आज हमें एक नई सृष्टि बना दीजिए, एक नया अंग बना दीजिए कि हम फिर कभी पाप नहीं करें। हमारे अंदर शांति भर दीजिए, जिस भी चीज की कमी है, प्रेम की, करुणा की, दया की, नम्रता की, विनम्रता की, संयम की, जिस चीज की भी कमी है, आज प्रभु यीशु के पवित्र नाम से वो सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाए। ईश्वर हम पर दया करेगा, ईश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता, अगर वह याद करता तो उसके समक्ष कोई भी नहीं टिक पाता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे प्यार करता है। आज हमें ईश्वर ये मौका ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हम पर दया कर रहा है, हम पर करुणा कर रहा है। अपना सर्वस्व, अपना अहंकार, अपना घमंड, अपनी ईर्ष्या, अपनी लालच, सबको ईश्वर को सौंप दीजिए। आज प्रभु अनेक व्यक्ति का मन परिवर्तन कर रहे हैं, दिल की गहराई से अनेक लोग अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। पुरोहित के पास में जाइए और अपने गुनाहों को पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए, ईश्वर हमें क्षमा प्रदान करेगा। आज ईश्वर हम सब पर दया कर रहा है, करुणा कर रहा है, ईश्वर हमारे हर एक पाप को याद दिला रहा है। बचपन से लेकर माँ के घर में रचने से पहले से जो भी पाप है, पूर्वजों से लेकर हर एक पाप आपको याद दिला रहा है, आप पर करुणा कर रहा है, आप पर दया कर रहा है। आपको अपने पापों को स्वीकार करना है, आज आपको एक दृढ़ संकल्प करना है, मैं आज से पाप नहीं करूंगा। ईश्वर आप पर दया करेगा, इसी वक्त दया करेगा, आपको स्पर्श कर आपको चंगाई प्रदान करेगा, आपको मुक्ति प्रदान करेगा। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ईसा मसीह का रक्त हर एक पाप को शुद्ध करता है। उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। इन तमाम वचनों की अनंत योग्यता के साथ आज समस्त संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है, आमीन। दूसरा भेद, काना के विवाह समारोह में प्रभु यीशु का प्रथम चमत्कार। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है, आमीन। तीसरा भेद, ईश्वरीय राज्य की घोषणा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। आमीन। चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है, आमीन। पांचवा भेद, पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सभी आत्माओं को स्वर्ग में ले चलिए, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है, आमीन। हे रानी प्रणाम, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा, आपको प्रणाम। हम एवा की निर्वासित संतान आपको पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए आपका नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखला। हे दयालु, हे प्रेममय, हे मधुर कुमारी मरियम, हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जिसके इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्त किया है, हम आपसे विनती करते हैं कि पवित्र कुमारी मरियम की अति पवित्र माला के इन वेदों पर ध्यान करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं हम उनका अनुसरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। कुमारी मरियम की स्तुति विनती, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी प्रार्थना सुन, क्रिस्त हमारी प्रार्थना पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर संसार के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर, संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वर की पवित्र माता हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों में पवित्र कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्त की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, कलीसिया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, दया की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, ईश्वरीय कृपा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, आशा की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति निर्मल माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति शुद्ध माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अक्षता माता हमारे लिए प्रार्थना कर, निष्कलंक माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति प्रिय माता हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रशंसनीय माता हमारे लिए प्रार्थना कर, सुसम्मति की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, सृष्टिकर्ता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, मुक्तिदाता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर, अति चौकस कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, स्तुति योग्य कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, शक्तिमती कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, अति दयालु कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मनिष्ठ कुंवारी हमारे लिए प्रार्थना कर, धार्मिकता का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर, न्याय का दर्पण हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रज्ञा का सिंहासन हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे आनंद के मूल स्रोत हमारे लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर, आदरणीय पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर, भक्ति के उत्तम पात्र हमारे लिए प्रार्थना कर, आध्यात्मिक गुलाब हमारे लिए प्रार्थना कर, दाऊद के गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर, हाथी दांत के गढ़ हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ण मंदिर हमारे लिए प्रार्थना कर, संधि की मंजूषा हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए प्रार्थना कर, भोर का तारा हमारे लिए प्रार्थना कर, रोगियों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रार्थना कर, पापियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रवासियों की शरण हमारे लिए प्रार्थना कर, दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर, क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्गदूतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मपुरुषों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, नबियों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, प्रेरितों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, शहीदों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, धर्मवीरों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर, कुंवारियों की महारानी
महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्ग में उद्ग्रहित महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। अति पवित्र माला की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। परिवारों की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की महारानी हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर कृपा करके अपने इन सेवकों को वह शक्ति प्रदान कीजिए कि हम सदैव तन मन से स्वस्थ रहें और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।